हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐप के बारे में। इसका नाम है लिंक्डइन ऐप। तो काफ़ी सारे लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे और कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस ऐप में होता क्या है ना कि मतलब सारे भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो लोग के पास जो भी रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की, जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये लोग सीधा मैंशन कर देते हैं अपने प्रोफाइल पर। तो आप वहाँ पर जाके सीधा इन लोग को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप जो है कि अप्लाई कर सकते हो अपना CV वगैरह सबमिट करके। तो ये सारी जो है कि फैसिलिटी इस ऐप में मिलती है आपको कि आप डायरेक्टली मतलब किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी कंपनी के HR को आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इस ऐप को यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है। जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो तो उसी तरह से इसमें एक ID बनानी होती है आपको। इसमें अपना बायोडाटा डालना होता है। बायोडाटा आपको पूरा जितना भी आपने मतलब पहले काम किया है जिस कंपनी में, जो भी आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, वो सारा आपको उसमें डालना होता है। और उसके बाद क्या है कि आप इसमें जो कि इसमें मतलब सारी कंपनीज़ की प्रोफाइल लेते हैं और जितने भी मतलब बड़े बड़े HR हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के HR हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ है वहाँ पे किसी भी फील्ड में, तो आप मतलब उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनको आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो उनसे कॉन्टेक्ट करके, मतलब एक फेसबुक की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारी प्रोफाइल होते हैं, जितने भी मतलब काम करने वाले वर्कर हैं या फिर बड़े बड़े HR हैं, तो सारे लोगों की इसमें क्या रहता है कि प्रोफाइल लेते हैं। तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उनको मैसेज भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो कि आपके पास कोई वैकेंसी है। तो अगर आप वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी रहती है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपने अच्छी जगह में आपको काम किया हुआ एक्सपीरियंस है, तो आपको वो लोग डायरेक्टली हायर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब कहीं भी, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन कंट्री में, तो आपको वो लोग डायरेक्टली हायर कर सकते हैं बिना एक पैसा लिए। तो डेली आप 10-15 मिनट इसमें ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी आती रहती है दुनिया भर की, तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। डेली मतलब हम कितना सारा फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसमें अगर दे दें, क्या पता कहीं पर तुक्का लग जाए और आपको जॉब मिल जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको इस ऐप में और कुछ थोड़े से ऐसे ट्रिक बताऊँगा मैं जिससे कि आपको ईजी रहेगा आपको जॉब अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये है मेरी लिंक्डइन ऐप की प्रोफाइल और जैसा कि आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और उसके अलावा जैसे आप कोई काम करते हो जो आपका स्किल है, जैसे मैं शेफ़ हूँ तो मैं यहाँ पे अपने डिशेस सारी अपलोड करता हूँ, इससे एक इंप्रेशन बढ़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी मैंने काम किया है पहले, तो वो सारा कुछ जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी स्कूल या एजुकेशन है सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है जो कि मालदीव रिजॉर्ट के लिए, स्पेशली CDP के लिए। और यहाँ पे देखो आप ईमेल ID भी उन्होंने मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हो, अपना CV वगैरह भेज सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे ऐसी वैकेंसी आती रहती है कंटिन्यूसली और आप इनको डायरेक्टली यहाँ पे HR या फिर एजुकेटिव शेफ है तो उनको आप डायरेक्टली यहाँ से मेल कर सकते हो उनकी मेल ID पे और अपना CV वगैरह उनको सेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली उनको मैसेज भी कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने जैसा भी एक सिस्टम होता है, इसमें आपको क्या है फॉलो कर सकते हो या फिर कनेक्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ और उनको आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें जॉब सर्च करना भी काफ़ी ईजी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर यूरोप लिखा तो यूरोप कंट्री के अंदर जितनी भी सारी जॉब है वो आपको सारे डिस्प्ले में शो हो चुकी है। और जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर कौमी लेवल की जॉब है, तो इसमें क्या है कि ईजी अप्लाई का एक ऑप्शन रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ पे ईजी अप्लाई करना है और वहाँ पे जाने के बाद अब अपना जो CV आपका रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वो अपलोड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ये, तो वहाँ पे आपको येस और नो का आंसर देना है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो उनकी प्रोफाइल में उनको जो है कि सबमिट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे। ईजी अप्लाई का एक ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी ईजी रहता है, वो स्पेशली ईजी टू अप्लाई के लिए बनाया गया है वो जो इसका जो ये फीचर है। तो काफ़ी सिंपल है, देख सकते हैं यहाँ पे कुक की वैकेंसी है, मैंने इसमें ईजी अप्लाई में क्लिक किया और यहाँ पे थोड़ा कुछ एड्रेस वगैरह डालना है और आपकी प्रोफाइल जो है कि उनके पास सबमिट हो जाएगी, तो काफ़ी ईजी है। उसके अलावा जैसे आप मैं देख सकते हैं यहाँ पे दुबई के अंदर वैकेंसी देख सकते हैं आप, कितनी सारी वैकेंसी है CDP और कौमी लेवल की। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री की यहाँ पे जॉब अवेलेबल होती है, सारे भी जितनी भी इंडस्ट्री है सारी जॉब आप यहाँ पे सर्च करके उस जॉब के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी इजी है अप्लाई करने के लिए, देख सकते हो आप, आपका CV अपलोड करना है और आपको इसमें मेंशन करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस, और आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड करके सीधा आपको सबमिशन कर देना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को सबमिट हो जाएगा और बहुत ही ईजीली यहाँ पर जॉब अप्लाई आप कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने यूरोपियन कंट्री में एक शेफ़ को मैसेज किया था तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। तो इस तरह से आप कॉन्टेक्ट बना के रख सकते हो और क्या पता कहीं पे वैकेंसी हो तो आपको
जॉब के लिए हायर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप सबसे कॉन्टेक्ट बना के इसमें अपना एक फ्रेंड जोन बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, क्या पता कहीं तुक्का लग जाए और आपको जॉब मिल जाए फॉरेन कंट्री में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।